हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे दूधी और गोश्त की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये हमने 300 ग्राम गोश्त ले लिया है, जिसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इस तरह से दोनों हमने मिक्स लिया है, विद बोन विदाउट बोन। ये हमने 250 ग्राम दूधी ले ली है लौकी, जिसे हमने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे चॉप्ड कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली है। 50 ग्राम अदरक और लहसुन लिया है। 1/2 कप हरा धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और नमक एज़ पर टेस्ट। ये हमने 10 से 12 काली मिर्च ले ली है, 5 लौंग, 1 स्टार फूल, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ता। हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का इसे पीस कर पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कुकर को गर्म कर लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। अब हम उसमें साबित गरम मसाले ऐड कर लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए स्टर कर लेंगे। ये हमने कुछ सेकंड्स के लिए इसे स्टर कर लिया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो रिलीज़ हो जाए ऑयल में। और अब हम कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक इसी तरह से भून लेंगे। देखिए, हमने प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लिया है और लाइट पिंक कलर आ चुका है प्याज में। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पकने देंगे फास्ट फ्लेम पर, ताकि जो है गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए, हमने 3 से 4 मिनट तक इस तरह से भून लिया है गोश्त को। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे, साथ में नमक भी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च और हरा धनिया का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून वो मसाले में पानी डाल लेंगे और वो भी ऐड कर लेंगे, ताकि जो हमारा कुछ वेस्ट ना हो। मिक्स कर लेंगे। हम लगभग इसमें 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। और कुकर की लीड लगा लेंगे और फास्ट फ्लेम पर हम 2 प्रेशर आने तक इसी तरह से रहने देंगे। देखिए, 2 प्रेशर आने के बाद हमने गैस को बंद कर लिया है और नॉर्मल प्रेशर होने तक हम इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला प्याज अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। अब हम इस गैस ऑन करेंगे और लगभग फास्ट फ्लेम पर हमें इसे 3 से 4 मिनट तक भुनना है। पर साथ ही में हम इसमें दूधी भी ऐड कर लेंगे, लौकी भी ऐड कर लेंगे, ताकि वो भी हमारी साथों साथ भुन जाए। तो अब हम इसमें लौकी ऐड कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर इसे तेल जो ऑयल है हमारा वो सरफेस पे आने तक इसी तरह से भून लेंगे फास्ट फ्लेम पर।
ये देखिए हमने इसे भून लिया है अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट फास्ट फ्लेम पर। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और कुकर की लिड बंद कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 2 प्रेशर आने देंगे। दो प्रेशर आने के बाद हमने गैस बंद कर लिया है। अब हम प्रेशर को रिलीज़ कर लेंगे और ढक्कन ओपन करेंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी दूधी गोश्त कोरमा रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारा दूधी और गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है देखिए, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और जब आप सब्सक्राइब करें तब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।